हमारे पड़ोसी के कान में सब बातें पहुंच गई हैं। हाँ बताइए। मैं अच्छा अच्छा सुरेश सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ समाजवादी पार्टी में। मैं उनको और उनके साथ जितने भी आए हुए साथी हैं, सहयोगी हैं, मैं एक एक साथी सहयोगी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस संघर्ष के समय पर आपने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है। जिस तरीके से नौरंग सिंह जो एक पेंटर थे और अपनी पेंटिंग के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ जो अन्याय किया, पीछे के साथियों मत ही बोलो, उन्हें कभी कभी तो टीवी पे आते हैं और दिखाई देंगे तो तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो? अरे उधर करो रिकॉर्डिंग कोशिश नहीं था। जो नौरंग सिंह जी हैं पेंटर थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया उनके साथ, वो बात मैं नहीं कहूंगा कि क्या लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। ये उत्तर प्रदेश में नई चीज है कि सब जानते हैं कि गांजा उत्तर प्रदेश में बहुत है समय, और यकीन मानिए सुनील सिंह जी के आने के बाद अब चिलम नहीं चलेगी। गांजा कम कर रहे हैं हमारे नौरंग जी, बताओ कैसा दुर्भाग्य है। एक पेंटर उस पर गांजा लगा दिया, जेल भेज दिया। हमने कहा वहां के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी से कि क्यों अन्याय करे उसके साथ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यही सुनील सिंह जी बैठे हैं, न जाने क्या नाराजगी रही होगी, कितने मुकदमे लग गए बताओ उनके ऊपर, कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर। जेल भेज दिया, ये अलग बात है कि विरोधी लोग जेल जाते हैं। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, पहले दिन से मैंने कहा कि सरकार में अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 3 साल गुजर गए संघर्ष करते करते, कोई सुनवाई नहीं है, और अब तो समय नहीं बचा है उनके पास, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और हमें खुशी है इस बात की कि जहां इतने साथी आए हैं वहीं पर जो बहुजन समाज पार्टी में रहे सीएल वर्मा जी, उनका हम स्वागत करते हैं। नोएडा जैसी जगह से दीपक विज जी आ गए हैं, उनका मैं बधाई देता हूं। देखिए सूची कहा है, तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी जो लोग शामिल हुए हैं, मैं सबके एक बार फिर नाम पढ़ना चाहता हूं। नंद कुमार विश्वकर्मा जी, छविलाल रावत जी, श्रीमती पूनम सरोज जी, श्रीमती सरस्वती लोधी जी, लखनऊ से महादीन गौतम जी जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, जनपद मऊ के राजेंद्र कुमार पूर्व कैबिनेट, मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इसी तरह बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जो छिड़ोड़ करके आए हैं दल, मैं उनका स्वागत और बधाई देता हूं। जहां उत्तर प्रदेश को समाजवादी लोग विकास के रास्ते पे ले जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास का रास्ता रोक करके
विनाश के रास्ते पे ले जाने का काम किया है। ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं नेताजी को कि उन्होंने कहा कि नौजवान ही आगे आएगा, और हमें खुशी है इस बात की कि मैदान में जितने हमें दिखाई दे रहे हैं सब नौजवान हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो नौजवानों को आशीर्वाद देने आए हैं। जिस देश की आबादी 60 और 70% नौजवानों की हो, उस देश को बताओ किसने उठा दिया इन्होंने। हिंदू और मुसलमान के अलावा भारतीय जनता पार्टी पर कोई नारा नहीं है। और अभी देखिए नागरिकता को लेकर के सवाल कितना बड़ा खड़ा कर दिया। जहां से बात शुरू हुई आसाम, क्या आसाम के लोग संतुष्ट हैं? आसामी के लोग न जाने क्या क्या चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, उन्होंने हिंदू मुसलमान वहां भी करा दिया। आसाम के लोग जो चाहते थे उन्हें भी निराश कर दिया। आसाम के एक हिस्से में ऐसा कर दिया कि अगर हम और आप जाना चाहेंगे तो वहां पर आपको और हमको परमिट चाहिए होगा, तभी हम जा पाएंगे, वरना हम परमिट के बिना वहां जा नहीं पाएंगे। एक हिस्से में सीएए लागू ही नहीं है। अगर कोई नागरिकता चाहता होगा उस हिस्से में, उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। ये देश जिसके किसान की समस्या का समाधान होना चाहिए था, नौजवान को नौकरी और रोजगार के रास्ते में जाना चाहिए था, व्यापारियों को हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इन किसी वर्ग को कोई सुविधा नहीं दी। केवल खाई पैदा इसलिए करना, नफरत इसलिए बनाना जिससे कि वो राजनीतिक लाभ उससे उठा सके। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे हिंदू भाईनी के, युवा भाईनी के लोग आ गए हैं, अब उनकी नागरिकता का खतरा अपना खुद पैदा हो जाएगा। ये जो दूसरों की नागरिकता ले रहे थे लेकिन श्री सिंह आ गए, अब उन्हीं की नागरिकता खतरे में है। इसलिए समाजवादी पार्टी इनके सभी सहयोगी साथियों का स्वागत करती है, और हमें भरोसा है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे थे, उसका भी खुलासा ये लोग कर देंगे। और फिर ये तो परंपरा उन्हीं ने शुरू की है। हमारे इकलौते भुक्कल नवाब को ले लिया उन्होंने, और देखो क्या किया भुक्कल नवाब साहब के साथ, ताकि जाओ हनुमान जी की पूजा करो। अभी तो शुरुआत है, अभी समय हम पर भी बहुत है। आज हम स्वागत इनका कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आने के लिए तैयार हैं, इसलिए समय हमारे पास ज्यादा है, समय सरकार के पास नहीं है। और आज भी सरकार वही काम कर रही है जो समाजवादी लोगों ने किए। ये गोरखपुर से लोग आए होंगे, बताओ गोरखपुर के लोगों, समाजवादी पार्टी ने जो काम दिया था वही चल रहा है आज भी। एम्स तब बना है जब समाजवादी पार्टी ने जमीन दी थी वहां गोरखपुर में, 500 का बेड का अस्पताल अभी तक शुरू नहीं कर पाए। गोरखपुर से लेकर के देवरिया और देवरिया से लेकर के सलीमपुर वाली फोड़ने अभी तक नहीं बना पाए। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी अगर किसी ने दी थी तो समाजवादी लोगों ने दी थी। अभी महाराजगंज वाली सड़क नहीं बन पाई। आपका इतना सुंदर तालाब था जिसमें न जाने कितना निर्माण हो गया होता। और फिर ये तो बड़े काम है, लेकिन अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग चिड़ियाघर नहीं बना पाए। कभी बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया था, 27 करोड़ समाजवादी सरकार में मिला था, और अभी तक नहीं चालू कर पाए चिड़ियाघर भी। और इसलिए नहीं कर पाए, ये काम इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि इनका काम दूसरा था और दूसरे काम पर कब्जा कर लिया। इनका काम दूसरा था, इन्हें
मुकाम में पहुंचा देंगे जहां पर वो शुरुआत की थी। इसलिए मैं बधाई देता हूं सभी को। और बहुत सवाल हैं, बहुत सी चीजें हैं। हमारे पिछड़े दलित सभी वर्गों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। ये सरकार साजिश कर करके अन्याय कर रही है, धोखा देकर के अन्याय कर रही है। समाजवादी लोग इनके हित इनके सम्मान के लिए लगातार काम करती रहेगी। हमारे जितने बहुजन समाज पार्टी और दूसरे दलों से जितने साथी आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी में उन्हें काम करने का भी मौका मिलेगा, संघर्ष करने का भी मौका मिलेगा और उनका सम्मान भी बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं प्रेस के लोगों को विशेष धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस सर्दी में आपको ज्यादा बैठना पड़ गया। और नेताजी का भी धन्यवाद कि नेताजी आए और हम सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया।